टीजी सर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि जानते हैं आज क्या है, आज आपका साइंस का सेशन है। आज हमें साइंस पर चर्चा करनी है। साइंस के जितने प्रश्न अब तक रेलवे ने पूछे हैं, रेलवे के साथ साथ यूपीपी के भी, इसमें हम यानी कि यूपी को भी इंक्लूड कर लिया है मैंने। वैसे फिजिक्स रेलवे की जान है, यानी कि फिजिक्स क्वेश्चन रेलवे की जान होते हैं, बट बायो एंड केमिस्ट्री ये जो होते हैं ये अदर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनका एक अच्छा खासा कंपाइलेशन तैयार किया गया है जो आप सभी के लिए है। आज आपको साइंस के आंसर देने हैं, क्योंकि आपका जो रेशियो जा रहा है वो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी का रेशियो अच्छा है, बट साइंस का रेशियो अच्छा नहीं है। लास्ट एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 20 नंबर किसी के नहीं थे, यानी कि 20 भी सही नहीं थे आपके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, आपको आज अधिक से अधिक और अच्छी संख्या में आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आने वाले हर डे पर कोई ना कोई दिवस होगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आज आप जानते हैं क्या है, आज आपका विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे है। यानी कि जो जल दिवस है, यानी कि जल ही जीवन है, किसी ने कहा है, गलत नहीं कहा है। और आज का जो थीम है, यानी कि इस बार जल दिवस का जो थीम है जो है नेचर इज द वाटर, वाटर ही नेचर है, नेचर ही वाटर है, ये इस बार की थीम है। यानी कि आज की थीम क्या है, वाटर ही क्या है, पानी ही क्या है, नेचर है, प्रकृति है, ये इस बार की थीम रखी गई है। तो आज क्या है हमारा, आज विश्व जल दिवस है। इसके साथ ही साथ शुरू करते हैं, यानी कि आज सिर्फ एक दिवस के बारे में जान लेते हैं जो और इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जापान की एक महिला है, उनका आज जन्मदिन भी है, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। ठीक है, यानी गूगल उनको मना रहा है, उसके बारे में हम नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादा आने हैं उन्हीं को हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की ओर बढ़ते हैं और साइंस के पहले प्रश्न पर चलते हैं। साइंस का पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, और पहला प्रश्न दे रहा है कैंडला मात्रक है, कैंडला किसका मात्रक है। आंसर प्लीज जल्दी करें, कैंडला मात्रक है, किसका मात्रक है, जल्दी करिए। ज्योति फ्लास्क का मात्रक है, ज्योति ये क्या है, ज्योति प्रभाव का मात्रक है, ज्योति दाब का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आंसर प्लीज जल्दी करिए। फिजिक्स, जैसा कि पहले कहा था ना, फिजिक्स आएगी, फिर केमिस्ट्री आएगी, फिर बायो आएगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। ऑप्शन प्लीज जल्दी करें, ए और आपका डी आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाई गाइज आपको थोड़ी सी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ज्योति जो जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, ज्योति तीव्रता, कैंडला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ आपका, डी। ठीक है, ज्योति ज्योति जो फ्लास्क आपने आंसर दिया ये नहीं होगा, ज्योति फ्लास्क का मात्रक उसका बेबर होता है, बेबर नहीं हो सकता, यहाँ पे बेबर रखेंगे आप। यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था, कैंडला था। ओके, तो कैंडला इज द राइट आंसर आपका क्या हुआ, डी। ठीक है, फिजिक्स में हम अभी देखिए, अभी आज आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, इसमें आपको लेके चलना भी है, क्योंकि रेलवे की न्यूमेरिकल की भी वैल्यू आती है, वो मात्रक मोल पूछता है आपसे और न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछता है आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए आ चुका, आ गया प्रश्न भाई, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन 2 kg, 3 kg, 4 kg या 29.4 kg। क्वेश्चन समझ लें, न्यूटन में दिया हुआ है और आपसे क्या है, द्रव्यमान पूछ रहा है, मास पूछा जा रहा है, वेट दिया हुआ है। आंसर प्लीज, इसको हल करिए, इसको हल करना होगा आपको, बताइए जल्दी हल करके, हल करिए इसको भाई, जल्दी हल करिए। चलिए देखता हूं मैं इसको, देखिए F बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, F बराबर mg दिया होता है। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि फोर्स देखिए वो दिया हुआ है क्या है, 29 पॉइंट। ठीक है, मास यहां पूछा जा रहा है, तो 29 पॉइंट ये क्या है आपका, हाँ 29.4 है, 29.4 इक्वल टू मास यहां पे दिया हुआ है, और जी का मान होता है 9.8, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यानी कि साफ दिख रहा है, हाँ स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। अब क्या करते हैं हम, एम को अगर हम बाहर कर लेते हैं, एम बराबर क्या होता है देख लेते हैं, 29.4/8, यही तो बनेगा 9.8, ये बना आपका 9.8। अब क्या करते हैं आप, यानी कि मास की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो मास की वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे आप, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा दिया जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, हम डिवाइड यानी कि फास्ट तरीके से कर लेते हैं। अगर हम इसको यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में रखते हैं, दो बार अगर टू टाइम्स ले जाते हैं नहीं कटेगा, थ्री टाइम्स ले जाते हैं थ्री टाइम में कट जा रहा है, थ्री टाइम में ही कट जा रहा है, तो यानी कि 3 kg आएगा आपका आंसर। ओके, ये आपका सोल्यूशन करना, यानी यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी थी, तो राइट आंसर क्या आपका हो गया है, राइट आंसर आपका किसी का आया, राइट आंसर बी किसी ने दिया, आंसर प्लीज राइट आंसर बी, एक व्यक्ति के, एक लोग के सिर्फ आए हैं, काफ़ी लोगों ने दिया, ओह अच्छा ठीक है, एक मिनट स्क्रीन देख लें भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, काफ़ी लोगों ने दिया, सॉरी काफ़ी लोगों ने यानी कि आपके 3 kg को प्रेफर किया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन क्यों है? सड़क पर हम आराम से चलते हैं, बिल्कुल टहलते घूमते आराम से चले जाते हैं, लेकिन सड़क पर चलने के लिए क्या होता है, सड़क पर हम क्या करते हैं, बहुत आराम, उस पर बर्फ पे क्यों आराम से चलते हैं, ऐसा क्यों बहुत डर डर के चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब बर्फ पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। डी ऑप्शन कह रहा है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जल्दी करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपके आंसर आ रहे हैं क्या, डी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं डी, डी संख्या में काफी लोगों ने दिया, चलिए कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। बर्फ क्या होता है, हम डर डर के चलते हैं, और बर्फ में चलने की सबसे अच्छी कला ये होती है कि अपने कदमों को छोटा कर लिया जाए, अपने कदमों को, यानी कि अपने जो पैरों की कदम है, यानी कि हम गज जिसे कहते हैं, उनको अगर हम छोटा कर लें, तो छोटे करके हम बर्फ पे आसानी से यानी कि चल सकते हैं बहुत, उससे यानी कि ग्रेविटी या हमारी जो घर्षण है वो नजदीक आ जाएगी और उससे हम आसानी से चल लेंगे। लेकिन जहां आपने बर्फ पे लंबे कदम बढ़ाए, यानी कि इधर पानी फिसला नहीं, आप इधर गिरे नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पे आप चल नहीं पाते हैं, लेकिन कदम आपने छोटे कर लिए तो आप चल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा बेयरबिल्स को, बेयरबिल्स दिखाते रहते हैं, अक्सर बताते रहते हैं कि आप अगर अपने जो आपके शूज हैं उनके ऊपर अगर आप सॉक्स पहन लेते हैं, सॉक्स अपने शूज के ऊपर डाल लेते हैं, तो एक ग्रिपिंग बन जाती है, एक ग्रिपिंग यानी कि काई पर चलना और बर्फ पर चलना, यानी कि एल्गा और बर्फ में चलने में दोनों में आसानी हो जाती है फिर आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाइड्रोजन से भरा जो रबर का गुब्बारा है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऊपर जाकर क्यों फट जाता है, बताएं भाई, ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है उसकी आपको बताना है, फट जाता है, क्यों फट जाता है, क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुमंडलीय जो है वायुमंडल का बढ़ना होता है, या हाइड्रोजन का घटना होता है, वायुमंडल के घट जाना होता है। ऑप्शन को फिर से समझ लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, या हाइड्रोजन का जो दाब है वो घट जाता है, या फिर वायु दाब जो है घट जाता है, आपको बताना है आंसर इसका। आंसर सी आ रहा, बी आ रहा है, और डी आ रहा है, और सी आ रहा है, डी ज्यादा संख्या में लोग प्रेफर कर रहे हैं, डी के लिए काफी है, यानी कि काफी लोग आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ये है कि आप सपोज दैट, मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए मैंने क्या काम किया, एक मैंने ये बलून ले लिया, एक ये बलून मैंने ले लिया, ठीक है, ये बलून है, ठीक, इस बलून को धागे से बांध दिया गया है, ये बलून है, इसमें सपोज दैट हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस भर दी गई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है जो क्या लिखती है, ऊपर की ओर लेके जाती है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है जब, तो ये जब हम हमारी वायुमंडल की सतह पर, यानी कि हमारे क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर जब तक ये रहता है, तब तक क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स लगा होता है, फोर्स कितना होता है, यानी कि लगभग 2200 किलोग्राम का एक फोर्स हमारे ऊपर लगा करता है, दबाए रखता है हमको हमारे ऊपर। जब इतना फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स अंदर दबा हुआ है, तो अंदर का फोर्स बाहर नहीं जा पाता, यानी कि इसके ऊपर एक दीवार, यानी कि इधर से क्या है, फोर्स की दीवारें लगी हुई हैं, ये फोर्स की दीवारें हैं जो इनके ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम जब ऊपर उठते हैं, ऊपर बढ़ते हैं आसमान में ऊपर, और इस मंडल को जब पार कर जाते हैं, तो ये फोर्स ऊपर जाने पर कम होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, इनका दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब कम होने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है कि बाहर बिल्कुल दाब बिल्कुल ना के बराबर हो गया, तो अंदर वाली जो भरी चीज है उसका दाब ज्यादा हो गया, और वो उसे फाड़ देती है, यानी कि फट जाता है, ठीक है। सेम एग्जांपल अगर आप चाहें तो क्या होता है, आपके आपके फ्रिज में देखा कभी आपने, अब ठंड आपकी गर्मियां आ चुकी हैं, तो गर्मी में क्या करेंगे आप, आपने पानी से भरी बोतल को फ्रीजर में लगा दिया, ठीक है, लेकिन पानी आपने क्या रखा, पूरा ऊपर तक, उसके पूरे माउथ तक आपने बंद कर दिया उसको, और फिर फ्रीजर में डाल करके आपने बंद कर दिया है। लेकिन जब आप फ्रीजर से यानी कि बर्फ जमी बोतल को निकालते हैं, तो बर्फ इतनी यानी कि जब वो बढ़ी, तो उसके अंदर का क्षेत्रफल उसका बढ़ गया, एरिया बढ़ा, फोर्स बढ़ा उसका, उसने दीवारों को तोड़ दिया और दीवार टूट गई, यहां भी प्रेशर का ही काम हुआ, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, उसने फैला दिया अपने क्षेत्रफल को और वो फूट गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहां पे यही हुआ, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही है, ये देखिए फैक्चुअल चीजें हैं, ये फैक्ट है, बट रियल लाइफ में इसकी बहुत अहमियत है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लालटेन की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, तेल जो ऊपर आता है वो किसके कारण आता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, लालटेन की बत्ती में तेल फिल इन द ब्लैंक्स के कारण ऊपर उठता है, तो किसके कारण ऊपर आता है लालटेन की बत्ती, ये आया हुआ प्रश्न है, रेलवे का पैट क्वेश्चन है ये,
रेलवे ने इसको पता नहीं कितनी बार पूछा होगा, ठीक है, आपको यहाँ बताना है, बताएं भाई। ऑप्शन कह रहा है दाबंतर, ये कह रहा है केशिका क्रिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं तेल के नियम श्यानता, और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं गुरुत्वीय बल, ठीक है। कैपलरी, यानी कि कैपलरी एक्शन, आप काफी लोग इसको बड़ी मात्रा में दे रहे हैं, यानी कि बी आंसर आप काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है बी, अगर आपकी बात करें तो बी, बी इज द राइट आंसर। इसलिए क्यों सही होगा समझिएगा, होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हैंकी का है, मेरी हैंकी, चलिए हैंकी कोई नहीं है, मैं इस कपड़े को लेता हूँ। अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, ये कपड़ा है, ये मेरी आस्तीन है, मैंने इस आस्तीन को खोल लिया है। आस्तीन क्या करते हैं, देखिए इसमें रेशे बने हुए हैं, ये रेशो यानी कि धागों से बुना होगा। तो सपोज दैट अगर मेरी ये आस्तीन, थोड़ी सी आस्तीन अभी पानी में गिर जाए, या हम कोई काम कर रहे हैं और आस्तीन मेरी ये पानी में गिर रही है, ठीक है, पानी में गिरी, तो पानी क्या करता है, इसको ऊपर चढ़ने लगता है, पानी धीरे धीरे ऊपर, यानी कि कैपलरी, यानी कि जो पोर बने हुए हैं यहाँ पे, कि जो रेशे हैं, धागे हैं, ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कभी मम्मा अगर घर में काम कर रही हैं, किचन में मम्मी अगर काम कर रही हो, उनकी साड़ी या उनका पल्लू या उनके दुपट्टे अगर हमारे, यानी कि मम्मी के घर किचन में कुछ कर रही हैं, अगर गिर जाते हैं, कभी टप में गिर गया कुछ, तो वो धीरे धीरे गीले होने, ऊपर बढ़ने लगते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगी कि हाँ, यानी कि कैपलरी एक धातु, यानी कि क्या बने हैं, महीन महीन छोटे छोटे एकदम पतले पतले पोर बने होते हैं। ये पोर क्या होते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। सेम इसी कारण से जहाँ मिट्टी की तेल, यानी कि मिट्टी का तेल जो कैरोसिन है, वो बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। अगर आप अगर पहाड़ों पर देखें, तो पहाड़ों से जो पानी निकल आता है, यानी कि पहाड़ों में जो पानी रिस करके आता है, आप अगर देखें ध्यान से, तो क्या करते हैं हम, पहाड़ों की यानी कि जो जो पास होते हैं, जो दर्रे यानी दरार जो होती है उसकी, यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए दो पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ के बीच में रुमाल लगा दी, पानी अगर आ रहा है और रुमाल को लटका दी जाए, हैंकी को लटका दी जाए, तो बूंद बूंद पानी टपकने लगता है, और ये कैपलरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक प्रश्न और इसी से आप कर सकते हैं, ये प्रश्न टफ लेवल पर आ सकता है, टफ लेवल पर ऐसे आ सकता है कि अगर हम आपसे बात करें कि समझिएगा, यहाँ पे पौधों में खनिज तत्व, यानी कि उनके जो मिनरल्स हैं, वो पौधों में ऊपर तक कैसे आते हैं। जाइलम फ्लोएम की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि पौधों के अंदर भी छोटे पौधे, जो नन्हे पौधे होते हैं, उनके को भी उखाड़िए और उनको तोड़ दीजिए, ठीक है। तोड़ने पर देखिए उनमें रेसे कैपलरी होंगी, महीन महीन, वो क्या करती है, वो भी पानी को ऊपर लेकर चढ़ती हैं और उतरती हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस चलता है। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जब आपका ऑप्शन यही दिया हो और ऊपर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, घड़े में पानी ठंडा कैसे होता है, वो वाष्पीकरण है, वेपराइजेशन है, लेकिन अगर कैपलरी दिया हुआ है तो कैपलरी ही राइट आंसर लिया जाएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि महीन महीन पोर, यानी कि छोटे छोटे पोर बने होते हैं, जिनसे पानी ऊपर आता रहता है, हवा उसे उड़ाती रहती है, पानी ऊपर आता रहता है, हवा उड़ाती रहती है, यानी कि वो ठंडा बना रहता है और पानी को ठंडा करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका, कैपलरी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंद्रधनुष के कारण बनता है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, आपको ये बताना है। इंद्रधनुष यानी कि रैम्बो आपके बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको ये बताना है। चलिए भाई आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया है, अपवर्तन हो गया है, फिर उसके बाद प्रकीर्णन है और विवर्तन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। आंसर प्लीज जल्दी करें, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, जल्दी करिए ऑप्शन, प्लीज जल्दी करिए। आंसर प्लीज जल्दी करिए, हरे आप, आंसर कितने लोगों ने दिया, आंसर दिया है आपने सी, काफी संख्या में दे रहे हैं सी, प्रकीर्णन, वाई, प्रकीर्णन कैसे हो गया, आपने प्रकीर्णन क्या सोच के लगा दिया, प्रकीर्णन नहीं होगा भैया। चलिए देखिए मैं आंसर आपको बताता हूं, इसका आंसर है डी, विवर्तन। अब एग्जांपल सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष जो बनती है उसमें सभी घटनाएं होती हैं, सभी घटनाएं, देखिए होता क्या है, वर्षा के बाद, यानी रैम्बो जो बनती है, मान लीजिए पानी की एक बूंद है, ठीक है, पानी की एक बूंद है, अब यहां से क्या हुआ, सूर्य की किरणें, यानी कि सूर्य की किरणें, ये सूर्य है, अगर सूर्य की किरणें इसमें आ रही हैं तो कोई ना कोई, तो इसमें सूर्य की किरणें जब पड़ी, पहले इसके सरफेस पर पहले पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन कुछ किरणें उसके अंदर भीतर भी आ गई, अब भीतर सीधे आई तो वो आने के बाद थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, अब तिरछी हो गई, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, परावर्तन हो गया, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन हो गया, ठीक है, जब अपवर्तन नहीं, परावर्तन, अपवर्तन और सभी घटनाओं को मिला करके बनता है आपका रैम्बो। तो इसमें प्रावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ और प्रकीर्णन, यानी कि जब किरणें चमक रही तो प्रकीर्णन तो होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ की ये तीनों घटनाएं घट रही हैं, इन घटना को हम कहते हैं विवर्तन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन इन्हें कहा जाता है। और अगर आपकी बात करें रैम्बो की, अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और आता है कि रैम्बो हमेशा किस दिशा में निकलते हैं, तो रैम्बो किस दिशा में निकलते हैं, हमेशा जो है सन होगा, यानी कि सूर्य के अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में ही निकलेंगे, और जब भी निकलते हैं तो ये या तो इवनिंग में या तो मॉर्निंग में निकलते हैं। और एक क्वेश्चन और है, एक साथ कितने रैम्बो देखे जा सकते हैं, लास्ट टाइम अगर हम बात करें अब तक का रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम
तीन बार यानी कि थर्ड टाइम रैम्बो एक साथ तीन बार रैम्बो तीन रैम्बो एक साथ देख सकते हैं, लेकिन अब तक अलास्का में यानी कि दो रैम्बो एक साथ देखे गए हैं, बट तीन रैम्बो देखने के चांसेस ये बहुत रेयर केस में होते हैं। ठीक है, तीन रैम्बो एक साथ आप देख सकते हैं, इसका ये क्वेश्चन भी रहा। ठीक है, रैम्बो से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और कितने रैम्बो देख सकते हैं। आप यहाँ मूवी को मत चले जाइएगा, वरना आप किसी मूवी में चले जाएं और मूवी में है क्या नाम है ये दिल मांगे मोर, पता लगा उस मूवी में वो कहता है सात रैम्बो होते हैं। ठीक है, तो सात रैम्बो आप वहां नहीं जाएंगे, वो मूवी है, एज इट इज कभी ऐसा नहीं है, तीन रैम्बो से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, एक 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, यानी कि एक कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो उसको अपना पूरा इमेज, पूरी बॉडी का इमेज देखने के लिए कितने मिरर, कितनी हाइट का मिरर अगर वो यूज करेगा तो अपनी पूरी, वो अपने पूरी इमेज को देख सकता है, बताएं जल्दी करें। ऑप्शन दे रहा है 1.5 मीटर, फिर कह रहा है 0.75 मीटर, और कह रहा है फिर 3 मीटर, और कह रहा है 2 मीटर, बताएं आंसर प्लीज जल्दी करें, हरी अप। जल्दी करिए भाई आंसर प्लीज, जल्दी करिए। आंसर बी आ रहा है, बी बी बी, काफी संख्या में बी लोग दे रहे हैं। आज क्या बात है, एनर्जी जल्दी नहीं आ रही, आंसर जल्दी नहीं आ रहा है। कनेक्टिविटी क्या आपकी कम है या लो चल रही है, या आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपका है जैसा भी है हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल सिंपल सा प्रश्न होता है, सिंपल से क्वेश्चन की बात अगर हम करें, कोई भी व्यक्ति यानी एक यहाँ पे पर्टिकुलर एक हाइट दे दी गई है, लेकिन अगर हाइट ना दी जाए तो भी ये क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपनी शरीर को, अपने पूरे शरीर को देखने के लिए कितने लोगों को एक साथ, यानी कितनी की अगर हम बात करें, कितना जो है वो मिरर की हाइट रखेगा, तो वो होता क्या है, देखिए आपकी हाइट का जस्ट आधा, अगर आपकी हाइट का जस्ट आधा आपने देखा यानी कि हाफ, तो आपको अपनी बॉडी यानी कि बिल्कुल एज इट इज दिखेगी। होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा धोखा, थोड़ा सा भ्रम होता है। ठीक है, होता क्या है, आप सभी जानते हैं जिम में जाते हैं आप, जिम अगर जिम करने वाले व्यक्ति हैं तो जिम में क्या होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मिरर नहीं रहता सबकी हाइट में। भाई जिम में बहुत से लोग आते हैं, जिम में बहुत से लोग आते हैं, लंबे लोग आ गए, छोटे लोग आ गए, और मीडियम में भी लोग आते हैं। ठीक है, तो अगर जिम में आप जा रहे हैं तो जिम में क्या होता है कि आपको कभी कभी किसी मिरर के सामने आपको लगता है अरे मेरे बाइसेप तो बहुत अच्छे आ गए हैं। ठीक है, हाँ यार बन गई है, बॉडी बन रही है। ठीक है, चेस्ट वेस्ट हाँ ठीक है अच्छी आ रही है, आपको लगता है ऐसा है। ठीक है, आप ऐसे करते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं आपको लगता है अरे यार सब गायब हो गया, कहाँ गया, ये तो कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल गायब, आपको ऐसा लगता है। होता क्या है, वहां के मिरर की ये क्वालिटी होती है, यानी कि वो ना ज्यादा ना मीडियम ना ज्यादा भारी, बीच का रखते हैं वो। तो होता क्या है, जैसे आप एंट्री करते हैं तो आप अगर बहुत छोटे हैं, तो अगर हाइट में छोटे हैं तो आपको शरीर आपका भरा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख सकते हैं आप, अगर एवेंजर ले लें या एंटाइसर ले लें, या आप कोई बुलेट ले लीजिए, जिस बुलेट के आगे जो चमकीले पार्ट्स होते हैं उनके सामने कभी आप खड़े हो जाइए, आप बहुत छोटे दिखेंगे और बहुत मोटे दिखेंगे, बिल्कुल आपका पेट पेट बाहर निकला दिखेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी लंबाई का हमें कितना रखना है कि बिल्कुल हम जैसे हैं एज इट इज दिखें और बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखें, तो वो होगा आपकी लंबाई का हाफ। ठीक है, तो इज द राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, राइट आंसर बी, बी काफी लोगों ने दिया है, गुड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर डायोप्टर हो तो, पावर डायोप्टर सा ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं चली कोई बात नहीं, ऊपर लिखा हुआ है कि +2 डायोप्टर दिया हुआ है, यदि किसी ऐनक के लेंस का जो पावर डायोप्टर है वो 2 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, फोकस दूरी चलिए बताइए, इसको हल करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है ये, यानी कि 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या आपका आता है 500 सेंटीमीटर। चलिए निकालिए आंसर प्लीज, जल्दी करिए, जल्दी करिए। इसमें थोड़ा समय लगेगा, निकालिए जल्दी निकालिए। सी ए और डी, सी ए और बी पे कर रहे हैं, ए ए है और उसके बाद आपका क्या है डी है, ज़्यादा लोग दे रहे हैं आपने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ इसमें क्या है, तुक्केबाजी चल रही है, इसमें आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के लिए क्या होता है गाइस, देखिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एफ बराबर पी बराबर होता है 1/f, 1/f मीटर होता है।
लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे उसने फोकस दे रखा है और डायरेक्टर की डायरेक्टर दे रखा है, फोकस की बात कर रहा था, फोकस कितना होगा। तो फोकस जब करते हैं तो फोकस जब भी निकालेंगे तो वन अपॉन यानी कि टू आता है, फोकस दिया हुआ। ये देखिए एफ निकाल दिया हमने तो पी यानी कि फोकस दूरी आपकी दिया हुआ है, आपकी क्या बात कर रहा है ये वन अपॉन टू। और जब भी होगा तो ये मीटर में होगा, जब भी होगा ये तो मीटर में हमेशा रखा जाएगा। और मीटर में अगर हम बात करते हैं तो उसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी थी, तो जब ये वन अपॉन टू होता है हमेशा हाफ मीटर में ही रहेगा, कभी चेंज मत करिएगा, यहाँ मीटर ही रखना है। क्योंकि अगर आप जाते हैं नेट के अकॉर्डिंग, अगर आप देखते हैं नेट के अकॉर्डिंग, तो वन अपॉन यानी कि थाउजेंड अपॉन जो होता है ये होगा आपका थाउजेंड अपॉन डायरेक्टर जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है नेट के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये रखा है यानी कि फोकस बराबर इतना आएगा, तो यहाँ पे आप काट तो लेंगे, लेकिन जो काटने के बाद जो आया यानी कि 500 आया, तो इसको ये पूछ के आ रहा है ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में इधर रखा है, तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको नया फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, यानी कि ये आपका आ चुका है क्या है 500 मीटर हो चुका है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे आप तो कैसे करेंगे, यानी कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे दिक्कत होगी 10, यानी कि आप जब उसे 10 से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 50। और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है मीटर, यानी कि हाफ मीटर आपका दे रखा है, तो हाफ मीटर कितना होता है भैया, सीधी सी बात है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को यानी कि एक मीटर इतना होता है, एक मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर क्या होगा, हाफ ही तो होगा। तो यहाँ ऑलरेडी कन्वर्ट नहीं करना पड़ा आपको, ये फॉर्मूले से कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, इस फॉर्मूले से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ याद करने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले, क्योंकि देखिए फिजिक्स में कोई आपका शॉर्टकट नहीं चलेगा। फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल आ गए रेलवे में तो आप उलझ जाएंगे अच्छी तरह से। अभी तो ये शुरुआत है, दो क्वेश्चन सर मैंने न्यूमेरिकल डाले हैं, अगली एसटी में मैं चार क्वेश्चन न्यूमेरिकल डालूंगा। न्यूमेरिकल चार क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे आपको बता देता हूँ मैं। कभी कोई लड़की अगर झूले पर झूल रही है, अचानक वो खड़ी हो जाती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है अगर, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम ये भी डालेंगे उसकी लंबाई इतनी है, इतना वो खड़े होने के बाद कितनी बढ़ी तब। या अगर पृथ्वी की त्रिज्या को अगर हम दुगना कर दें तो उसके आवर्तकाल, उसकी पृथ्वी के घूमने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को कम कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन सब आने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस पर, आपको हल करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे प्रश्न आने के, एक घर में 100 वाट के 4 बल्ब जलते हैं, तो इनके यहाँ अगर ये 12 घंटे बल्ब जलते हैं तो कितनी इनकी यूनिट बिजली आएगी, बिजली कितनी यूनिट इनकी आएगी, ये क्वेश्चंस भी आपको लेना पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपको निकालना पड़ेगा। रेलवे में ग्रुप डी और एएलपी वाले ध्यान से सुन ले मेरे भाई, ठीक है, हो क्या रहा है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है 10+2 मैथ से होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स का यानी कि आप टेक्निकल आईटीआई अगर नहीं आपकी ट्रेड है तो कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन प्लीज। हाँ, आ चुका है अगला क्वेश्चन, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताएं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जल्दी करें। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आंसर दे दीजिए, CaSO4 5H2O, फिर कह रहा है CaSO4 H2O, फिर कह रहा है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है, फिर कह रहा है CaSO4.MgO, आंसर प्लीज जल्दी करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता है तो सी आंसर काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं, सी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र रट रखा है क्या आपने, ठीक है, अच्छी बात है, अगर रट रखा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। देखिए 8 क्वेश्चंस आपके क्या थे फिजिक्स का आए, 9 क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री पे आ चुके हैं, यानी केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी ऐसे ही कुछ होंगे, किसी एसटी में बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री पर आ चुके हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जिन्होंने भाई सी दिया है बिल्कुल सही है, CaSO4 का होल ट्वाइस एंड H2O, ठीक है, ये एक केमिकल होता है यानी कि पानी और कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का है मिला के मिश्रण, और पानी के मिश्रण से बन करके बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो यहाँ पे क्वालिटी क्या होती है, जो पानी होता है, पानी जैसे ही इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को ढाला जाता है, पानी बड़ी तेजी से अपने अंदर क्रिया करके इनके अंदर जमना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी थिक होता है यानी गाढ़ा होता है और तुरंत जम जाता है। इसकी स्टैच्यू आप देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्टैच्यू मिलते हैं मार्केट में, काफी आते हैं, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस चल रहा है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल यानी कि बिल्कुल सटीक है कि घरों में जो आप छल्ले में यूज कर रहे हैं, जो छल्ला है या डॉल है जो घरों में ला रहे हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ओके, तो राइट आंसर क्या रहा, सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, बताएं भाई आंसर प्लीज, सर्वाधिक भारी कौन है, चांदी है, तांबा है, सोना है और शीशा है, जल्दी करिए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लेड, शीशा।
देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आपको बाएं से दाएं ओर पढ़ना होता है। जब आप बढ़ते हैं तो उसमें सबसे लास्ट में जो होगा ठीक है वही सबसे भारी होगा। अब आपको पीरियोडिक टेबल यानी याद होनी चाहिए पहली बात, या तो आपका उसका परमाणु भार याद होना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं ठीक है। इसके रीजन होते हैं दो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं यानी कि दो ही तीन ऐसे प्रश्न हैं जो आपको उलझाएंगे। एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न और आएगा मैं भी बताता हूँ उसको। इसका राइट आंसर क्या है, अब तक किसी ने दिया है जल्दी करें भाई। आपने डी को काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं डी, हाँ बिल्कुल सही है। लेड आपका बिल्कुल सही है, लेड का भार काफी ज्यादा होता है। सबसे पहले इसमें चांदी है, फिर आपका आता है सोना, फिर तांबा आता है, फिर आपका सीसा आता है। सीसा सबसे भारी होता है। सीसे की बात से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन और आपका आता है, वो क्वेश्चन ये है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, यानी कि पूरे मेटल की अगर हम बात करें, पूरे मेटल में सबसे सबसे हैवी सबसे भारी मेटल कौन सी होती है वो बता दें आप। सबसे भारी जो मेटल होती है वो है ऑस्मियम होती है। क्या होती है? ऑस्मियम होती है। और सबसे हल्की जो होती है वो है लिथियम होती है ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिथियम इतना हल्का, इतनी हल्की धातु है कि इसकी हम बैटरी बनाते हैं जो मोबाइल फोन में यूज की जाती है। क्लियर? तो ये तीन क्वेश्चंस आपके रहे धातु पर, अगर पूछेगा तो कभी ये तीन में से रेलवे निकाल रहा है। रेलवे के जो तीनों प्रश्न आए थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अभी किसी एसटी में आपको नहीं मिलेंगे ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बारूद का आविष्कार किसने किया था। फैक्ट बताइए भाई, बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकर ने किया था ठीक है, कोस्ट ने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था, या डॉक्टर गेडिंग ने किया था? बताएं, डॉग गेडिंग आंसर प्लीज। डॉग गेडिंग जल्दी करें भाई, आंसर प्लीज जल्दी करिए। रोजर बेकन, कोस्ट और है अल्फ्रेड नोबल और डॉग गेडिंग, बताएं बारूद का आविष्कार। ए ए आंसर आ रहा है, सी सी कोई नहीं दे रहा है, सी क्यों नहीं दे रहे भाई आप? ए और सी, अच्छा सी जिन्होंने दिया है मैं उनको उनके स्पेशली उनके लिए कहना चाहूंगा। सी आपने आंसर दिया है अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था ना कि बारूद का आविष्कार किया था ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने जैसा कि मैंने ये जानबूझ के ऑप्शन रखा था, मैं ये चाहता था कि आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन क्रिएट में आ चुके हैं ठीक है। बाकी जिन्होंने रोजर बेकन लगाया है बिल्कुल सही भाई, गुड आई लाइक इट। आपने बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट को है मैं हिला नहीं पाया, यानी कि मेरे ऑप्शन आपको नहीं हिला पा रहे हैं, नहीं डगमगा पा रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं और आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी गाइज, बिल्कुल कह रहा हूँ इस बार। यानी कि आपकी तैयारी को देख के ये लगता है कि हाँ सिलेक्शन आपका दूर नहीं है ठीक है। राइट आंसर क्या है? रोजर बेकन इज द राइट आंसर है ठीक है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी ने कल शाम को मैथ की क्लास की होगी, मैथ की क्लास कैसी थी उसके बारे में कमेंट्स दे दीजिएगा ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि कल सर ने जो ट्रिक बताई थी, अगर किसी ने पूरी वीडियो देखी होगी तो उनको समझ में आ गया होगा, कल जो है टाइम एंड वर्क का जो शीट चला था शाम को 5 बजे से, वो एक इंपॉर्टेंट शीट था। आपने कल सर को अगर नहीं देखा है तो प्लीज आज जरूर देख लीजिए, उसका पार्ट 2 अगर आज आना है तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। जो है 5 o'clock पर आपको मिलेंगे सुनील सर, तो उनको जरूर देख लीजिएगा एक बार जिन्होंने कल मिस कर दिया है। अगर कोई बात नहीं, कल मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट 2 आप जरूर देख लीजिएगा। सुबह उनका समय भी हो चुका है ठीक है। बहुत जल्द हम अपने चैनल की ओर से आप सभी के लिए बहुत सी चीज़ें लाने वाले हैं, यानी कि न्यूज़ भी आने वाली है, आपकी वो कैप की भी क्लासेस चलने वाली हैं, तमाम चीज़ें शुरू करने वाले हैं हम लोग। यानी कि न्यूज़ आपको सुबह सुबह ही न्यूज़ सारी न्यूज़ मिल जाया करेंगी कि आज भैया क्या है, क्या है, कैसी है। और वैकेंसी पर चर्चा हम जरूर करेंगे आपके साथ, कोई वैकेंसी अगर आती है तो हमने जैसे अभी ब्रेकिंग न्यूज़ किया था, वन नेशन वन एग्जाम किया था, वैसे ही हम आपके साथ सारी चीज़ें सारी चर्चा करने वाले, यानी कि प्लस पूरी एज अ क्लासरूम की तरह आपको हम पूरा, यानी योर क्लासेस आपकी क्लासेस है, ये आपकी क्लास है, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगी ठीक है। पूरी ध्यान से पूरे होशो हवास के साथ यहाँ पर बस आपको आना करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि आप जितनी अधिक संख्या में आप बढ़ाते चले जाएंगे इस चैनल को, यानी कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि एक चैनल चल रहा है ना, आपने मेरे लिए बढ़ाया, अपने मित्र आपके मित्र आपके लिए बढ़ाएंगे, तो एक ये क्या है, एक चैनल है, एक चैनल यानी कि एक चैन चल रही है। इस चैन को पूरी तरह करते चले जाइए, आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। और लाइक पेज, आपने पेज लाइक कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर आप तक पेज आपने लाइक नहीं किया है अभी का, तो प्लीज़ पेज लाइक कर लीजिएगा। इस हफ्ते की सारी जो पीडीएफ है, यानी कि पीडीएफ फाइलें जितनी हैं, वो सैटरडे तक आपकी अपलोड कर दी जाएंगी, अपलोड कर दी जाएंगी, जिनसे आप क्या है उनको डाउनलोड कर लेंगे ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे वंदना जी हैं, और या क्या है, क्या नाम है ये, रूबी जी हैं, इनके हम बात करते हैं, आलोक हैं, रचित हैं, ये सब जितने हैं हमारे वो पश्चिम बंगाल के एक मित्र हैं, उनका नाम बड़ा अजीब है वो हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं, सारे क्वेश्चन नोट करते हैं ठीक है। तो नोट नहीं करना है, आपने अपने कमेंट्स में छोड़ा, सर हम क्वेश्चन नोट करते हैं आपके सारे क्वेश्चन, आपको ये आपका जो टाइम है बच जाएगा ठीक है। और ये जब बच जाएगा यानी कि आपको पीडीएफ फाइल मिल रही है, तो क्यों आप इतना नोट करेंगे, तो करना क्या है आपको, सिर्फ लाइक तो करना है,
पेज लाइक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिंक नीचे दिया गया है, अगर नहीं लिंक पता है तो योर पासिस डाल दीजिएगा, स्मॉल यू स्मॉल आर सी एल ए डबल एस ई एस, मैं आपको लिख देता हूँ, सिंपल सा है, स्मॉल यू स्मॉल आर सी एल ए डबल एस ई एस, योर क्लासेस, योर क्लासेस यानी आपकी क्लासेस, इसका नाम ही रखा गया है कि ये आपकी क्लासेस है, आपके लिए आपके घर चल करके आ रही, ठीक है। तो इसको लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शाम को 5 बजे जरूर आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला थैला, थैला में होता है क्या होता है भाई बताएं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम एजाइड होता है, या सोडियम नाइट्राइट होता है, या सोडियम पेरोक्साइड होता है, बताएं आंसर प्लीज जल्दी करें भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम एजाइड है, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम पेरोक्साइड है, क्या होता है आपके कार चालकों की सुरक्षा के लिए, यानी कि बात हो रहा है यहाँ एयर बैग की, जो गाड़ियों में यानी कि आपके जो फोर व्हीलर होते हैं उनमें एयर बैग जो लगे होते हैं, ड्राइवर के जस्ट बगल में एयर बैग लगे होते हैं, यानी कि गाड़ी के लड़ने पर एयर ब्लैडर फूल जाते हैं और वो फूलने के बाद क्या करते हैं कवर्ड कर लेते हैं, फिर उस पर ड्राइवर अगर लड़ता भी है तो अगर लड़े हम उस पर तो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता, हम हल्के फुल्के चोट हमें लगती हैं, वो किसके बने होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे, आंसर देना है। ऑप्शन नंबर आपने डी को काफ़ी लोगों ने प्रेफर किया है, डी इज द राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर क्या है सोडियम एजाइड है, ठीक है, क्या है सोडियम एजाइड, बी इज द राइट आंसर है, यहाँ पे आपने गलती की है क्योंकि ये क्वेश्चन अब टफ हो चुका है। अगर जैसे होता क्या था ना, एक क्वेश्चन आता बहुत पहले आया करता था कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो किसकी बनी होती है, उसमें कौन से वो मिले होते हैं, तो ये रटा हुआ क्वेश्चन था। अब क्या है रिसेंटली करंट की बात चल रही है, क्योंकि गाड़ियों में एयर बैग की बात करें तो अब हर गाड़ियों में फोर व्हीलर में एयर बैग आ रहा है, तो एयर बैग जब एयर बैग इतना चलन में है, इतने प्रचलन में है, इतना हमारे एटमोसफियर में आसपास यानी कि हमारे आसपास बहुत तेज से ये सर्कुलेट हो रहा है कि भैया एयर बैग वाली गाड़ी लीजिएगा, अगर लीजिएगा तो यानी कि फीचर्स में देख लीजिए एयर बैग है कि नहीं, अब हर गाड़ी दे रही है, ऐसा कहीं नहीं किसी गाड़ी में, सब में आ रहा है, लेकिन एयर बैग है क्या, आखिर किसका बना हुआ है, ऐसा क्या चीज है कि हमारी ये रक्षा करता है, हमारे पूरे जान को हमारे हमें बोलने की सेल्फ डिफेंस कर देता है, ये क्या है, किसका बना हुआ है, यानी कि सोडियम एजाइड का बना हुआ है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है लहसुन यानी कि लहसुन की जो अभिलक्षण गंध होती है वो कैसी होती है, लहसुन की जो गंध होती है, लहसुन में जो बदबू आती है, ठीक है, वो किसके कारण आती है, लहसुन है, प्याज है, ठीक है, इसे कहते हैं गार्लिक है या अनियन है, इनमें अगर जो बदबू यानी दुर्गंध जो आती नहीं है, कहते नहीं भैया आप प्याज खा के आए, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, भैया थोड़ा दूर हटिए, आपके मुंह बदबू कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, या आप लहसुन की कलियां छिल लीजिए आप, ठीक है, छिलने के बाद उनको जब आप निकाल के आते हैं तो आपके हाथ जो थे स्मेल कर रहे होते हैं, आप अगर प्याज भी कटिंग चॉपिंग करके आ रहे हैं तो भी स्मेल कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये कौन सी होती है, आपको वो गैस का नाम बताना है, ये बदबू क्यों आ रही होती है। ऑप्शन कह रहा है क्लोरो यौगिक कह रहा है, सल्फर यौगिक कह रहा है, और कह रहा है फ्लोरिन यौगिक कह रहा है, या एसीटीन यौगिक कह रहा है, बताएं आंसर प्लीज। आंसर बी को प्रेफर किया जा रहा है, सल्फर यौगिक, सल्फर यौगिक आंसर प्रेफर किया जा रहा है, और कोई आंसर आ रहा है, और कोई आंसर दिया जा रहा है पर नहीं, चलिए ठीक है, आंसर प्लीज सही है आपका, आंसर बी आंसर बिल्कुल, सल्फर यौगिक इज द राइट आंसर है भाई आपका, सल्फर यौगिक। ये क्या होता है, देखिए होता क्या है, आपकी कोई सी बड़ी गंध को छुपाने के लिए हम सल्फर यौगिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग, ये गैस इतनी यानी कि ये गंध इतनी तीक्ष्ण होती है, मैं आपको इसलिए अगर आपको बता दूं कि अगर इसके इस गैस के ऊपर आप कोई भी चीज को आप छुपा सकते हैं, यानी कि किसी और की गंध को छुपाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली लाइफ के, ले लेता हूँ मैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, मान लीजिए आपने बारूद का काम करते हैं या पटाखे बनाने का काम करते हैं, पटाखों के अगर काम कर रहे हैं तो आपने क्या किया, प्याज के पानी से अगर हाथ धुल लेते हैं आप, तो आपके हाथ में जो स्मेल आ रही थी वो स्मेल प्याज की आएगी, बारूद की नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसका प्रयोग मत करिएगा, ये हालांकि सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ, इसको यूज मत करिएगा। जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे मित्रगण दोस्तगण भाईगण हैं या बंधु हैं, जो सिगरेट यानी स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले क्या होते हैं, स्मोकिंग अगर आपने स्मोकिंग की है तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपकी ये टिप जहाँ पे आप सिगरेट पकड़ते हैं ये स्मेल करने लगती है, स्मेल करने लगती है यानी कि सिगरेट के बाद स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, तो अब क्या करते हैं, अगर आपने प्याज के पानी में एक बार हाथ धुल लिया या लहसुन के पानी में हाथ धुल लिया, लहसुन या रगड़ भी लिया आपने, प्याज रगड़ लिया, ये स्मेल छिप जाएगी आप फिर, यानी कि इतनी तीक्ष्ण स्मेल होती है कि कोई इसको पकड़ नहीं सकता कि आपने क्या किया है, ये जान लीजिए, यानी कि ये जो सल्फर यौगिक है इतनी हार्ड इसकी तीक्ष्ण गंध होती है। प्रयोग मत करने लगिएगा, यहाँ स्मोकिंग करके जा रहे हैं, पापा ना पकड़े तो चले भैया हमने क्या काम किया, बस सर ने बताया है तो धुल के घर पहुंच रहे हैं,
हाथ में क्या, अरे पापा हमने अभी तो सलाद खाया था, ऐसा कुछ ना करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सूची का मिलान करना है, सूचियों को मिलान करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इधर एक तरफ रोग लिखा हुआ है, एक तरफ उधर जो है उनसे उत्पन्न होने वाली जो कमियां हैं, यानी कि जो किस रोग से वो कमियां, यानी कि विटामिन्स लिखे हुए हैं, विटामिन की कमी से कौन सा रोग इधर होता है, मिलान करना है। देखिए सूखा रोग दिया हुआ है, बेरी बेरी दिया हुआ है, रतौंधी दिया हुआ है और स्कर्वी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी इधर दिया हुआ है, फिर विटामिन B12 है, विटामिन ए है और विटामिन सी है। तो बताएं भाई इसका मिलान कर लें। सूखा रोग किसी कमी से होता है, सूखा आप सभी को पता है विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी से होता है, बी होता है लेकिन B12 दिया हुआ है यानी कि B12 बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। रतौंधी की बात करते हैं तो रतौंधी क्या है, रतौंधी ए की कमी से होता है आपको पता है, यानी कि ए अगर आपने विटामिन ए नहीं लिया तो रतौंधी यानी कि आप दिक्कत होती ना, रतौंधी यानी कि आपको शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद दिखाई नहीं देगा। स्कर्वी की बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, आपको ये पता है। तो आंसर प्लीज देखें, ए का अगर देखें, ये कह रहा है ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इज द राइट आंसर, आपको यही मिल गया। ए ए काफी संख्या में दिया गया है, चलिए अच्छी बात है, यानी कि ये रटा हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन नहीं था अपने आप में, ये 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपने सी किसी ने डी को भी दिया है उपरोक्त सभी, ऐसा नहीं भाई, आप आंसर देखिए सोच समझ के दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है ये, बिल्कुल इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं थी। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे विटामिन, देखिए सूखा सबको पता है विटामिन डी कमी से होता है, एक से ही पकड़ में आ रहा है। आप अगर बुद्धिमान हैं, थोड़े से अपनी ब्रेन का यूज करें तो सिर्फ सूखे रोग से पकड़ सकते हैं। ए का पहला, कहीं ऐसा लिखा है ए का पहला, किसी ऑप्शन में देखिए मैच कर रहा है, तो सिर्फ एक ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो है ए, यानी कि एक ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल गया, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था, गलती मत करिए, ठीक है, यहां कर लीजिए लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मच्छरों को नियंत्रण हेतु होने वाली कीट भक्षी मछली है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु, यानी कि मच्छरों का, मच्छर जो है मॉस्किटो के अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी फिश है जो उनको कंट्रोल करती है, उनको खाती है, कौन सी फिश, ऐसा बताएं। तो लिखा हुआ है हिल्सा फिश, ठीक है, लिबोआ है, गंबुजिया है और मिस्टर फिश है, बताएं भाई इनमें से कौन सी फिश है जो मच्छर को खा जाती है, मच्छर के लार्वा को खाती है, बताएं भाई आंसर प्लीज जल्दी करें। आंसर ए बी सी डी, कोई आंसर आ रहा है आपका, बहुत बार कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताएं प्लीज आंसर बताएं इसका, कौन सी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, प्लीज जल्दी करें आंसर प्लीज। आंसर आपका आ रहा है सी, काफी संख्या में आ रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत देर करते हैं आप लोग भाई, इतनी देर मत किया करिए, जल्दी से जल्दी, यानी नेटवर्क में रहा करिए, नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, कोई बात नहीं, इसका इशू हो सकता है बट, लेकिन फास्ट किया करिए, थोड़ा तरीका जल्दी रखिए। देखिए होता क्या है, गंबुजिया बिल्कुल सही है, गंबुजिया जो फिश है वो हमारी क्या करती है, वो मच्छर की लार्वा को खा जाती है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, ये पानी का एक सरफेस है, ठीक है, ये पानी का एक सरफेस, यानी कि एक पानी की लेयर है। अगर हम बात करते हैं सपोज दैट, जैसे ये देखिए ये बोतल है, अगर ये बोतल की हम बात करते हैं नॉर्मली, एक हम इसको टैंक समझ लेते हैं, ठीक है, एक टैंक, ऐसे टैंक समझ लें। अब इसमें पानी का एक लेयर, एक सरफेस बन चुका है, ये शांत अगर काफी दिन तक रुका हुआ है तो इसमें मच्छर अपने क्या है, अपने अंडे दे देते हैं। अब मच्छर ने अपना अंडा दिया, अगर अपने अंडे, तो अंडे उसके क्या होते हैं, ये बाहर थोड़ी से लटके होते हैं, ये अंडे ऐसे हो गए इसके, ठीक है, बाहर इसकी यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए क्या है, बाहर थोड़ा लटका रहेगा, सतह पे रहेगा, ये हिलेगा तब भी, ऐसा नहीं कि डूब जाएगा, ये डूबेगा नहीं, ऐसे ही रहता है। होता क्या है, अब गंबुजिया जो फिश है, गंबुजिया फिश हमने आने की, हमने क्या की, गंबुजिया फिश पाल दी है, गंबुजिया फिश ये रही आपकी, गंबुजिया फिश अगर हम बना दें तो गंबुजिया फिश हो गई आपकी, ठीक है, ये गंबुजिया फिश हो गई आपकी। अब गंबुजिया फिश पानी में तैरती हुई आती तो देखती है लार्वा, तो ये इसका मुख्य भोजन है, मुख्य आहार है, ये इसे तुरंत खा लेगी, ठीक है, अगर खा लेगी यानी कि मच्छरों को कंट्रोल में, यानी कि मच्छरों की जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है, जब जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है तो इसका मतलब है मच्छर आगे चल करके नहीं आ पाएंगे। 72 घंटे इनकी आयु होती है, यानी एज सीमा इनकी 72 घंटे होती है, 72 घंटे में ये प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, जो भी है ये, इनको जो भी करना ये करते हैं। इस दौरान अगर आप एक काम और, अगर गंबुजिया फिश नहीं मिलती आपको है तो पानी जहां जमेगा, पानी अगर रह रहा है आपके यहाँ, रुका हुआ पानी है, उसमें केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल को ऊपर से डाल दीजिए। मिट्टी के तेल को ऊपर से जैसे ही डालते हैं आप तो एक लेयर बना लेते हैं, वो एक लेयर बना लेती है, एक और लेयर, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता है, और ऑक्सीजन जब अंदर नहीं आ पाता है तो इसके लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ये मर जाएगा, डूब जाएगा, यानी कि ऊपर की लेयर टूट जाएगी और ये डूब जाएगा, इसको फिर और अन्य जानवर पानी में रहने वाले खा लेंगे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, गोल्डन राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बताएं आंसर प्लीज, जल्दी करिए। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या मिलाया जाता है जो कि नई एक चीज है, नई खोज है, ठीक है। देखिए मैं आंसर दे रहा हूँ, ए आ रहा है आपका, बी आ रहा है, सी आ रहा है, सब लाइन से ए बी सी सब दिए पड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आने की आपके अंदर हौच पौच है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं। देखिए होता क्या है, गोल्डन राइस मैंने इसकी चर्चा आपकी एसटी में कर चुका हूँ मैं, गोल्डन राइस क्या होता है, कुपोषण के शिकार से बच्चों को बचने के लिए बचाया जा रहा है, एक गोल्डन राइस का प्लान किया गया। गोल्डन राइस में क्या है, ए है, विटामिन बी 12 है और विटामिन डी का मिश्रण है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो विटामिन ए है। ए क्या होता है, रतौंधी, यानी बच्चों में रतौंधी कमी, यानी रतौंधी नहीं होगी विटामिन ए इस चावल को खाने से। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी, यानी विटामिन डी अगर उसको मिल रहा है तो कुपोषित नहीं होगा। कुपोषित मतलब होता क्या है कि हाथ पर दुबले पतले और पेट आपका बिल्कुल बाहर निकला हुआ होता है, वो कुपोषण का शिकार होता है बच्चा, ठीक है, ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं। और आप जानते हैं ऐसे बच्चों में विटामिन बी 12 क्या बात करते हैं, विटामिन बी 12 अगर आप बात कर रहे हैं बेरी बेरी रोग जो होता है, तो विटामिन बी 12 से बेरी बेरी रोग भी नहीं होगा बच्चों में, ये रोग बड़ी जल्दी यानी कि छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, गोल्डन राइस एक ऐसा प्लांट किया गया है, यानी कि ये किसके तहत किया गया है, बच्चों के लिए, यानी मिड डे मील के तहत, तमाम के तहत, कि भाई ये खिलाया जाए भोजन, इससे बच्चा जो है बीमार और दुखी नहीं होगा। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, विटामिन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा, ठीक है बताएं भाई, वोल्फिया है, रेफ्रेशिया है, और क्या है, एजोला है और फाइकस है, जल्दी बताएं भाई, सबसे छोटा फूल, आंसर प्लीज जल्दी करिए, इसमें आप बड़ा ना ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा फूल जल्दी बताइए आंसर, आंसर प्लीज, वोल्फिया है, रेफ्रेशिया है, एंजोला है और फाइकस है, ए है और बी है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आंसर ऑप्शन बनाया था, इसमें कुछ लोग मेरे ऑप्शन के झांसे में आ चुके हैं। रेफ्रेशिया जिन्होंने टिक किया है वो पूरी तरह से उनका आंसर गलत है। रेफ्रेशिया क्या होता है कि सबसे बड़ा पुष्प होता है, यहां सबसे छोटा फूल पूछा गया आपसे, सबसे छोटा पुष्प, ठीक है, तो रेफ्रेशिया सबसे बड़ा फूल है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे बड़ा जो पुष्प है, फूल है, वो है आपका सुपीरिया, ठीक है, सुपीरिया एक फूल है जो इंडिया में सबसे बड़ा होता है, लूसेंट के पीछे दिया हुआ है, आप लूसेंट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वोल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है पूरे वर्ल्ड का, वोल्फिया, तो वोल्फिया इज द राइट आंसर, जिन्होंने ए टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, वोल्फिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, एकमात्र पक्षी वह कौन सा है जो पीछे उड़ सकता है, मतलब वो पीछे भी उड़ सकता है, आगे भी उड़ सकता है, लेफ्ट राइट भी उड़ सकता है, इधर उधर भी उड़ सकता है, यानी कि जिगजैग की तरह यूज कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ पीछे है, लेकिन आपके उसकी खासियत में बता दूं, वो पक्षी आगे भी उड़ता है, पीछे भी उड़ सकता है, लेफ्ट भी और राइट भी, यानी कि जिगजैग की तरह वो इस्तेमाल कर सकता है। याद है जॉस्टिक, देखा जॉस्टिक जो गेम में हम खेलते हैं, आगे ले गए फिर पीछे ले गए, जॉस्टिक जो होता है इधर फिर इधर, तो ऐसा कौन सा पक्षी है, ऑप्शन प्लीज देखिए, गौरैया है, कोयल है, फिर साइबेरियन साइरस है और गुंजन पक्षी है, गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड, हाँ ठीक, आंसर प्लीज, कितने लोग दे रहे हैं आंसर, यानी कि डी में काफी संख्या में बड़ी मात्रा में आ रहा है डी, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है डी। देखिए गुंजन पक्षी किसी को नहीं पता होता हिंदी में नाम, अगर ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश में ना होता तो आप कंफ्यूज कर जाते, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है किसे, हमिंग बर्ड पर, ठीक है हमिंग बर्ड याद रखिएगा। हमिंग बर्ड की एक खासियत और है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। दूसरी बात, एक मिनट में 500 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है, ये इसकी रफ्तार है, ये ठीक है, सोचिए इतनी रफ्तार इसकी ज्यादा है कि एक मिनट में 500 बार अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाता है ये, और ये चाहे अपने आप को अगर ये चाहे दो तो एक ही जगह पर सिर्फ पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते ही रह सकता है, यानी कि अगर पंख फड़फड़ाएगा भी तो एक ही जगह रहेगा, ये लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ एक जगह रहेगा, ठीक है। तो इसकी एक खासियत ये भी रही, ठीक है। गौरैया, गौरैया जानते हैं आप, गौरैया के बारे में हमने कल चर्चा की थी, गौरैया हमारा क्या है, यानी कि रेड डाटा में सूची शामिल हो चुका है। कोयल एक ऐसा मात्र पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता है, कोयल अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में देखता है, आपने इसको जो है 3 इडियट मूवी में देखा भी होगा, ठीक है। साइबेरियन सारस ये मौसमी पक्षी होते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है, यानी कि पानी से होने वाला रोग कौन है, मधुमेह है, हैजा है, चेचक है या मलेरिया है, आंसर प्लीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगी, इसमें गलती मत करिएगा प्लीज। क्या डायबिटीज आपको होता है, कॉलरा होता है, चेचक होता है, चिकन पॉक्स होता है या मलेरिया होता है, जल्दी आप सुन करें, यानी कि पानी से कौन सा रोग हो जाता है, सिंपल है यार, इतना डीप क्यों लगा रहे हो,
बी आंसर आ रहा है, और कोई गलत आंसर भी कोई दे रहा है, सही आंसर सब दे रहे हैं बी, और कोई, सब लोगों ने बी दिया है, चलिए अच्छी बात है। पानी आप, अगर पानी आप पी रहे हैं, गंदा पानी आपने पी लिया, तो क्या आपको शुगर हो जाएगा? खुद सोचिए, गंदा पानी पी लिया आपने तो क्या चेचक निकल आएगा आपको, चिकन पॉक्स हो जाएंगे? गंदा पानी पी लिया तो क्या मलेरिया हो जाएगा? यानी कि मलेरिया जानते हैं, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, यानी कि वो पानी से कोई संबंध नहीं है। चेचक की बात करते हैं, चेचक क्या होता है, एक वायरल है, ठीक है, चेचक आपको नहीं हो सकता। आपको मधुमेह रोग क्या होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, तो मधुमेह भी नहीं हो सकता। आपको क्या हुआ, हैजा, आपके वहाँ कॉलरा हो गया, यानी कि पानी आपने गंदा पिया, जिसके कारण अंदर जो है बैक्टीरिया इकट्ठा हो चुके हैं, और बैक्टीरिया इकट्ठा हो चुके हैं तो वो कॉलरा का रूप ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग ज्यादा आती है, लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग लूज मोशन, जिसमें होता क्या है, पानी में, शरीर में हमारे पानी की कमी होने लगती है, और फिर हम यानी कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और फिर हमारी डेड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर हुआ आपका बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्यतः मनुष्य में पुनः उपस्थित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि मनुष्य का जो दांतों की संख्या है, जो फिर से निकलते हैं, पुनः निकलने वाले, पुनः उपस्थित होने वाले, फिर से दांत जो निकल रहे हैं वो कौन है, कितने हैं, संख्या उनको बतानी है, 12 जोड़ी, 20 जोड़ी, 32 जोड़ी या 16 जोड़ी। यानी कि 12 दांत ऐसे हैं जो फिर से निकलते हैं, 20 दांत ऐसे हैं जो फिर से निकलते हैं, या 32 है ऐसे निकलते हैं, या आपको 16 है, बताएं भाई कौन ऐसे दांत हैं जो फिर से निकलते हैं, कितनी संख्या कितनी उनकी है, आंसर प्लीज जल्दी करिए, जल्दी करिए भाई। बचपन में गिना नहीं था क्या, जब टूटा है, मम्मी एक दांत टूट गया, फिर दो दांत टूट गया, फिर तीन दांत टूट गया, ठीक है। ऑप्शन बी पे प्रेफर किया जा रहा है, सी पे भी प्रेफर किया जा रहा है, बी सी डी, ये चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, बी सी डी ये क्या हुआ? अरे मैंने आपसे कल कहा था ना, कल आपका बिल्कुल रेशियो सही चल रहा था, आज क्या है, आप गलत जा रहे हो, आज आपकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, तीन क्वेश्चंस गलत आंसर दे चुके हैं आप लोग अब तक, यानी कि 20 क्वेश्चंस में तीन क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं, अभी आपके सामने पांच क्वेश्चंस और आएंगे, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, हमारे यानी कि इसको अगर हम बात करते हैं, जिसे बोलते हैं मिल्की टीथ, ठीक है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, अब आंसर दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को ईजी कर लेता हूं, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, देखिए आंसर अब आ रहा होगा आपको, फिर से दे लीजिए एक बार आंसर, फिर से दे लीजिए, जिन्होंने गलती यहां की है, इनको लगता है गलत, तो फिर से आंसर दे लीजिए, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि दोबारा उगने वाले दांत कितने हैं हमारे, जो टूटते हैं और फिर निकलते हैं, अब देखिए आंसर आना शुरू हो गया आपका, अब आपका बी आ रहा है, और बी आंसर आप दे रहे हैं, यानी कि ए भी आ रहा है। अच्छा चलिए मैं बता देता हूं, जिन्होंने ए दिया है, भैया हाथ जोड़कर कह रहा हूं, गलती आप मत करिए, ध्यान सुनिए, होता क्या है कि दांत जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, मोलर टीथ जिन्हें हम कहते हैं, वो 20 दांत होते हैं, 20 दांत हमारे ऐसे होते हैं कि यानी कि हम जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो आफ्टर 3 मंथ के बाद, 3 ईयर के बाद से हमारे दांत यानी कि निकलना शुरू, आफ्टर 8-9 मंथ के बाद से दांत आने लगते हैं बच्चों में, यानी कि उन्हें हम कहते हैं ORS का घोल दे, तमाम चीजें देते हैं कि अब दांत निकलने लगा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब बच्चों में दांत निकलने लगते हैं तो दांत निकलते तो हैं पहले नॉर्मली बड़े अच्छे से निकलते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा, हमारा बेटा 7 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, तब उनके दांत टूटने लगते हैं, 10 साल से अब उसी दांत टूटेंगे, तो अगर एक निकला वो टूटा, जब ये टूट जाते हैं तो इनकी जगह पर आपके जो है यानी कि अब असली तीत यानी कि वो निकलेंगे जो टूटेंगे नहीं, आपके लाइफ टाइम जीवन तक रहेंगे, लेकिन आपके जब वृद्धावस्था आएगी तो कुछ दांत यानी चवर्णक यानी कि जो चबाने वाले हैं आपके, ये जबड़े वाले दांत ये रह जाएंगे, बाकी सब दांत टूट जाते हैं वृद्धावस्था में। तो जो दांत टूट कर दोबारा निकलते हैं उनकी संख्या होती है 20-20, इन्हें बोलते हैं दूध के दांत, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंड स्थनी है, अंड ये क्या है, कौन सा अंडज स्थनी है, अंडज स्थनी समझते हैं भाई आप, जो अंडज स्थनी है यानी कि अंडे देने वाला है लेकिन वो स्तनधारी है, मैमल्स है, आपको ये बताना है कौन सा ऐसा, इसमें से जो ये ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्तनधारी है, मैमल्स है बट अंडे देता है। आपको ये पता है जो स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा इनमें से है जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है, आपको ये बताना है, बकाएं इसको मैं देखिए, कंगारू है, मोनोट्रीम है, फिर चमगादड़ है और वेल है, आंसर प्लीज जल्दी करें। आंसर डी आ रहा है, देखिए भाई ध्यान समझ लीजिए, आपको पता है कि वेल जो है वो बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है, इसने पूछा है अंडजनी, अंडज,
ठीक है, अंडज की बात कर रहा, अंडे देने वाला स्तनधारी। तो वेल अंडे देती नहीं है, वेल बच्चे देती है। ठीक है, पहली बात तो समझ लें आप, वेल मैमल्स में आती है, स्तनधारी में। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, चमगादड़, आप जानते हैं चमगादड़ क्या करता है, बच्चे देता है, आपको पता है। ठीक है, कंगारू क्या करता है, कंगारू एक मांस के लोथड़े को पहले जन्म देता है। ठीक है, मांस के एक लोथड़े को जन्म देता है, फिर उसको उठा करके अपने आगे एक पॉकेट होती है, पॉकेट में डाल लेता है, यानी कि आगे क्या होता है, उसके पेट में थैली बनी होती है, उस थैली में वो रख लेता है। फिर कुछ समय बाद उस थैली में से फिर से उस बच्चे को, यानी कि अब फिर से वो बच्चा निकलता है थोड़े से मेच्योर होने के बाद, यानी कि वो अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है। एक क्वेश्चन ये नया बन जाता है, अंडे देने वाला और बच्चे देने वाला दोनों। पहले उसने मांस के लोथड़े को निकाला, जन्म दिया, उस लोथड़े को फिर वापस अंदर रख लेता है और उसको फिर से वो करता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो मोनोट्रीम है, यानी कि इसका नाम है एकिडना, मोनोट्रीम, यहाँ पे एकिडना अगर लिख देता मैं तो आप समझ जाते, मोनोट्रीम, मोनोट्रीम एज इट इज ऐसे ही लिखा था, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एज इट इज मैंने ना कोई इसमें अपने मन से लिखा है, जैसे लिखा था मोनोट्रीम, मोनोट्रीम मैंने ऐसे ही लिख दिया है। एकिडना एकमात्र ऐसा है, ये क्या होता है, पक्षियों में आता है, ये स्तनधारी होता है, लेकिन ये क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, ये बहुत भारी तरह के जानवर होते हैं, ये दौड़ ज्यादा नहीं पाते हैं, उसी में रहते हैं पक्षियों में ये। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेड होता है, ज्यादा भाग नहीं पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ आपका, मोनोट्रीम, ये लगभग सबका गलत है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एविन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, बताएं भाई, एविन फ्लू वायरस। अब ये खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका है, लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड से समाप्त हो चुका है, जल्दी बताएं भाई। H5N1 है, N1H5 है, H5N1 है और H1N1 है, बताएं भाई आंसर प्लीज, जल्दी करें। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के लिए ऑप्शन नंबर डी प्रेफर किया जा रहा है, वन प्रेफर किया, मुझे पता था आप ए और डी में ही रहेंगे, यानी कि बी और सी तो फालतू के बनाए गए ऑप्शन हैं। ठीक है, यानी कि आप ए और डी पे ही रहेंगे, मुझे ये भली भांति परिचित था मैं इससे, लेकिन ज्यादा संख्या में किससे आप परिचित हैं, ज्यादा संख्या में आप डी पे जा रहे हैं, जो कि आंसर गलत है। H1N1 स्वाइन फ्लू के वायरस को कहते हैं, किसे कहते हैं, स्वाइन फ्लू के वायरस को H1N1 कहा जाता है, H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस को कहते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, ए। आज रचित जी कहां है, रचित जी का आंसर सही है या गलत है, रूबी, रचित, प्रवीण, आज कहां है सब, वंदना, इन सब के आंसर कहाँ हैं आज, इन लोगों के आंसर नहीं आए, गलत हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, H5N1 इज द राइट आंसर, ए है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं, कितनी जोड़ी हैं आपको बताने हैं, तंत्रिका बतानी है यहाँ पे, यानी कि क्या बताना है, नर्वस सिस्टम आपको बताना है, यहाँ पे बोन्स नहीं है कहीं, यहाँ पे अच्छा है ह्यूमन अब्दा, देखिए बोन्स की बात कहीं नहीं किया है, आंसर पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा फिर बताइएगा। तंत्रिका है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि ये जो आपके, ये जो आपका मेरुदंड तंत्रिकाएं हैं, इसमें कितने जो हैं चैम्बर, कितनी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, कितनी नसें इसके पीछे होती हैं जो आपको एक्टिव करने के लिए, काम करने के लिए देती हैं, तो बताएं भाई। ऑप्शन नंबर है 12 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर है 13 और ऑप्शन 31 यानी कि 31 और ऑप्शन नंबर 33, बताएं भाई आंसर प्लीज। ए बी सी डी सब चल रहा है, देखिए बोन्स की अगर बात करता वो तो बोन्स, तो बोन्स 33 ऑप्शन इज द राइट आंसर होता, बोन्स की अगर हम बात करते तो बोन्स आपका राइट आंसर क्या होता, 33 होता, लेकिन यहाँ पे बात की गई है तंत्रिका को आपको बताना था, तंत्रिका की अगर बात करते हैं तो 31 होती है, वो नोट कर लें। ये आपका क्वेश्चन पहला और नया क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम जब मैंने इस क्वेश्चन को डाला था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी, आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे मैंने भी 33 को प्रेफर किया था, टिक किया था, लेकिन अगर आपको बताऊं जो ये एकदम एग्जैक्ट, अगर तंत्रिका आप नए शब्द ध्यान से नहीं सुना यानी कि नहीं पढ़ा तो आप गलती कर बैठोगे और 33 पर टिक कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, 31 यानी 31 तंत्रिकाएं होती हैं आपके मेरुदंड में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चेचक होने का कारण क्या है, चेचक होने का कारण क्या है, रुबेला वायरस है, वेरिबोला वायरस है, या वेरिसेला वायरस है, या मिक्सो वायरस है, आंसर प्लीज जल्दी करें, आंसर दें जल्दी करें, रिबोला वायरस, वेरिओला वायरस, या आपका है वेरिसेला वायरस, या है आपका मिक्सो वायरल, जल्दी बताएं भाई आंसर प्लीज। आंसर यहाँ पे आपको, यानी कि चेचक के वायरस का नाम आपको मालूम होना चाहिए तभी आंसर आएगा, चेचक के वायरस के नाम की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी पर प्रेफर किया जा रहा है, बी पर टिक कर रहे हैं आप। चलिए मैं बताता हूँ आपको,
देखिए जो चेचक का जो वायरस है इसे खोजा था एडवर्ड जेनर ने। किसे खोजा था? इसे आपके एडवर्ड जेनर ने, यानी एडवर्ड जेनर साहब ने इसको ढूंढा था। ढूंढने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको वेरिवोला वायरस का नाम दिया था। नाम वेरिवोला वायरस होने के बाद ये नाम वेरिवोला वायरस हुआ कैसे, क्योंकि हुआ कहते जब एडवर्ड जेनर ने पहली बार चेचक को जब देखा था तो चेचक का क्या किया, उन्होंने चेचक में जो फफोले यानी कि छाले होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, उन्होंने इंजेक्शन से इसके पानी को निकाला और एक अपने बगल के पड़ोस के घर में रहने वाले बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इंजेक्ट करते हैं तो उसके शरीर में फफोले आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, और ये दिखा देते हैं दुनिया को, देखो ये वायरस है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और ये ऐसे एक्टिव क्रिया करता है। तो उन्होंने तब दुनिया को बताया था कि ये वायरस है, ठीक है। और इसीलिए एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने इस वेरोला वायरस के वैक्सीन को बनाया। और ये वायरस यानी कि अगर हम बात करते हैं चिकन, ये काउ पॉक्स की बात करते हैं, तो ये पूरी दुनिया से गायब हो चुका है। चेचक रोग अब पूरे विश्व से समाप्त कर दिया गया है। आपको अगर होता है तो वो छोटी वाले यानी कि जो चिकन पॉक्स होते हैं जो छोटी, ये काउ पॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं, यूरिन में कौन से आपके विटामिन निकलते हैं, आपको ये बताना है। आंसर देख लेते हैं, ए बी, ऑप्शन है ए बी सी और डी एंड के, ध्यान से आंसर दीजिएगा। यूरिन में कौन से विटामिन निकलते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी एंड के? आंसर सी पर प्रेफर किया जा रहा है, बहुत से लोग आंसर सी पर प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, विटामिन सी, विटामिन सी ही हमारे यूरिन से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यूरिन पर आपके तीन क्वेश्चंस बनेंगे। एक है यूरिन में कौन सा विटामिन निकलता है आपके सामने है, यूरिन का रंग येलो क्यों होता है, अगली एसटी के आसपास के एसटी में आएगा, मैं बताऊंगा नहीं आंसर, नहीं प्लॉट बताऊंगा यहाँ पे। फिर क्या होता है, एक यूरिन का पीएच मान कितना होता है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे आपकी स्टोरेज बनेगी, ये आपके तीन चार क्वेश्चंस यूरिन पे निकलेंगे। हर टॉपिक का एक फैक्ट होता है, एक बेस होता है, जानते क्या होता है कि जहां से यानी कि कितने क्वेश्चंस यहां से निकल सकते हैं या अब तक कितने क्वेश्चंस बने हैं, मतलब कितने पूछे गए, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये आपकी क्वालिटी होती है, जैसे आप देख लेते हैं वैसे आप जान जाते हैं, ठीक है। अब यानी कि अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहां पे क्या हुआ आपका, सी इज द राइट आंसर हुआ, विटामिन सी, यानी कि सी सी पर ही लगा हुआ है। अच्छा अधिवित भाग ये भी है कि विटामिन सी सी पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ये रहा आज का, यानी कि आज का आपका, यानी कि ये आपका क्या रहा, साइंस का सेशन रहा। साइंस का सेशन आपने देखा, एंजॉय किया। कल हम करंट अफेयर के साथ आपके सामने अवेलेबल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिर बता दूंगा आपको कि आप जो है मैथ को मिस कर रहे हैं, मैथ आप छोड़कर गलती कर रहे हैं। जितने लोगों ने कल अगर मेरे निवेदन को, मेरे जो है रिक्वेस्ट को नहीं स्वीकार किया था, प्लीज आज एक बार जरूर देख लें। आप देखिए, जरूर देखिए, पहले आप समझ लीजिए। आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्टेज हो रहा है, मुझे आता है, नहीं समझना चाहिए, ये मेथड बहुत पुराना है या जो भी है, आप कम से कम एक बार देखिए, ठीक है। बिना देखे आप जो बंद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस बता रहा हूं मैं आपसे ना, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हल कराया जा रहा है, तो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बिल्कुल एज इट इज वही है, लेकिन डिजिट सर ने चेंज कर दिए हैं, लैंग्वेज वही है, डिजिट सर चेंज कर दे रहे हैं। अक्सर डिजिट चेंज करने के बाद सवाल कैसे उलझ सकते हैं, क्योंकि अब लेवल बढ़ता जा रहा है, आप जान रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे वही पुराने पैटर्न पर है, आप समझ रहे हैं। रेलवे ने कभी, रेलवे में यानी कि अगर हम बात करते हैं 2015 से पहले रेलवे में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी, अलजेब्रा नहीं आती थी, आपको पता है। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है, लास्ट का जो नॉन टेक्निकल हुआ था उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आई थी, अलजेब्रा भी आई थी, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक पर ही आपको नहीं रहना है, इसलिए प्लीज शाम को 5 बजे आप सभी एक बार फिर उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है, नए चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। और हाँ, रही मेरी बात, तो मैं आपको जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो मैं आपको दूंगा, बस अपना प्यार और अपनी जो ये आपकी जो रुचि है, जो आपका मान सम्मान जो आप हमें दे रहे हैं, ये बनाए रखिए और इसी तरह आप मुझसे कनेक्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है ये मुझे क्या करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिससे मुझे नए नए ट्रिक्स बनाने की प्रेरणा मिलती है और मैं नए नए ट्रिक्स आपको लेके लाता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि आप सभी अपनों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ बेटर मिल रहा है, यानी कि आपकी क्लास अच्छी खासी हो जा रही है, जो आपको अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आने वाली परीक्षाओं में हमारा चैनल आपके लिए जस्ट जैसे ही UP SSSC में सुनने में आ रहा है 400,000 वैकेंसियां आ रही हैं, ये जिस दिन से शुरू हो जाएंगी चैनल आपके लिए, उसी दिन से
एक वे में अलग टाइम से शुरू कर देंगे नया बैच, यानी कि मैं आपको फिर हो सकता है आपको नाइट में मिल जाऊं 8 बजे, यानी 8 o'clock नाइट में मिल जाऊं, या मॉर्निंग में मिल जाऊं, यानी कि 2 times 3 times मुझे अगर आना पड़ा तो मैं आऊंगा, ठीक है, सर को आना पड़ा सर आएंगे। इसलिए आप जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये गलती कर बैठ रहे हैं जाने में कि सब्सक्राइब ना करके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि देखने के बाद डिलीट किया जा रहा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 बजे फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और लाइक करिएगा और लिंक कॉपी जरूर कर लीजिए, लिंक को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। लिंक को क्या करेंगे आप, शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ क्योंकि PDF फाइल जल्द से जल्द मिलने वाली है आपको, लास्ट वीक की और इस वीक की आपको उसी पर डाल दी जाएंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज, चलिए आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए।